ट्विटर से छटनी के मामले में एलन मस्क की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि कंपनी से निकाले जाने पर ट्विटर के कुछ पूर्व महिला कर्मचारियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एलन मस्क के खिलाफ मुकदमा कर दिया। पूर्व महिला कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि एलन मस्क ने ट्विटर की छटनी प्रक्रिया में भेदभाव किया। उन्होंने ये भी दावा किया कि कंपनी से पुरुषों के मुकाबले महिला कर्मचारियों को ज्यादा निकाला गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक सैन फ्रांसिस्को फेडरल कोर्ट में मस्क के खिलाफ याचिका दायर की गई, जिसमें ट्विटर पर 47% पुरुष कर्मचारियों की तुलना में 57% महिला कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने का आरोप लगा। महिलाओं ने आरोप लगाया कि कंपनी खरीदने के बाद उनकी प्रतिभा को नजरअंदाज किया गया, यही वजह है कि पुरुषों की तुलना में ज्यादा महिला कर्मचारियों ने नौकरी खोई। ट्विटर में नए बॉस के आने से कर्मचारियों को उम्मीद थी कि नए बॉस बदलावों के साथ उनके हित में काम करेंगे, मगर हुआ इसका उल्टा। मस्क ने आते ही बड़े पैमाने पर छटनी कर दी। उत्तर प्रदेश के भदोही में एक दुकान में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से दुकान में रखे 2 रसोई गैस सिलेंडर में धमाका हो गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटों में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुंबई पुलिस ने बैंकों के बाहर से एसी के कंप्रेसर चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जिन पर बैंकों के बाहर से एसी का कंप्रेसर चुराने का आरोप है, और उसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें एक चोर बैंक के बाहर लगे एसी के कंप्रेसर को निकालता हुआ नजर आया। कंप्रेसर का वजन ज्यादा होने की वजह से वो उसे धकेलते हुए सड़क के कोने तक ले आया। आरोप है कि जिसके बाद वो अपने साथी की मदद से उसे वहां से चुरा कर ले गया। पुलिस ने बताया कि पिछले 6 महीने से कई बैंकों से कंप्रेसर चोरी की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद उन्होंने वहां लगे कैमरों को खंगालना शुरू किया, जिसकी मदद से उन्होंने इन चोरों को पकड़ा। पुलिस ने उस आदमी को भी गिरफ्तार कर लिया जो ये कंप्रेसर खरीदता था, भंगार वाले को बेचते थे, हमने उसको भी अरेस्ट किया। पुलिस के मुताबिक ये चोर अब तक 9 बैंकों को अपना निशाना बना चुके हैं।